Yes, Don. Don, pistol लेके आई हो अपने Don? रूट गाड़ी में से गायब है. दुख में होता है ना तो ज्यादा गाने गाते. आज सारे डॉन गाड़ी में इकट्ठे हो चुके हैं. कैश डॉन, छोटा डॉन, बड़ा डॉन, आपका भाई डॉन. क्या बोला तूने? आपका भाई डॉन. पहले क्या बोला? आपका भाई डॉन. चल तो खैर गाइज, हम जा रहे हैं एक बड़े मिशन पे जो कि बहुत बड़ा मिशन है. मनी वाला मिशन है. मनी वाला है, मल्टी आएगी इसमें. नहीं, वो वाला मिशन नहीं है. ये थोड़ा सा दूसरे किस्म का मिशन है. ये जरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिशन है. तो खैर आज हम जा रहे हैं अलमूर ऑर्चर्ड सोसाइटी. बस ये इसीलिए तो सारे डॉन इकट्ठे किए मैंने. हैं डॉन? यस डॉन. डॉन पिस्टल लेके आई हो अपने? डॉन डॉन कब्जा कर रहे हैं अपने वहां पे. डॉन कहना छोड़ेगा तो मैं लाऊंगी, समझ आई ना? पिस्टल जी. ओके डॉन. लेकिन जो डॉन होते हैं ना, उन्होंने हर टाइम एट अ टाइम अपने साथ पिस्टल रखा होता है. खैर गाइस, हम जा रहे हैं अभी एक सोसाइटी अलनूर ऑर्चर्ड जो कि बहुत दूर है. वहाँ पे एक ये फाइल का रोला है, वो जरा क्लियर करने जा रहे हैं. तो रास्ते में भी बहुत एंजॉय करेंगे. तो अभी फिलहाल नहीं, ये रोज अब ये देखना पड़ेगा. जब से तुम आगे पीछे बैठी हुई थी ना, हमारा रास्ता किसी ने नहीं रोका. जब से आगे आई है ना, वो देखो काली भैंसे रास्ता रोकी गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से. डॉन ये कौन सा डॉन? ये कौन सा डॉन है? डॉन के होते हुए रास्ते ब्लॉक हो रही है. डॉन ये क्या चक्कर है? मैंने कहा था मुझे छोटा नहीं बोलना. मैंने खाली डॉन बोला, छोटा तो बोला ही नहीं है. छोटे डॉन के होते हुए हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं. ये खुला तजाद नहीं है पाकिस्तान. खैर गाइस, हम लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं. थोड़ा सा ही आगे रह गया तो छोटे को वहाँ पे लेके देना एक प्लॉट, क्योंकि छोटे की ख्वाहिश है अकेला रहने. मुझे अकेला रहने. हाँ तो तुम्हें मैं प्लॉट लेके दे रहा हूँ ना, स्कीम में निकला एक. ठीक है, डन. ठीक है. और वहाँ पे सिर्फ ये अकेली अपना किस्मत पूरी में से निकला इसने. एक में किस्मत पूरी है. किस्मत पूरी ये भी चलती है. अभी भी चलती है. अच्छा जी, ये एक मेरी भी ले लेना एडवांस बुकिंग पे. तो खैर अभी हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे अकेला छोटे नहीं रहना है. बस और मैं देख रही हूँ, देख रही हो. असल में लॉन्ग ड्राइव करने का मकसद ना हमारा ये एवरेज है. एवरेज को ठीक इस कदर हम पूरे खानदान को लेके पिकनिक में इस कदर हम जुड़े हुए हैं. मतलब पेट्रोल इस कदर परेशान कर रहा है हमें कि हम एवरेज ठीक करने के लिए, मतलब हम इतने अमीर हैं कि हमने एवरेज ठीक कर लिया, हम लॉन्ग रूट पे निकल जाते हैं. और ये सोसाइटी आ गई है रूच. देख लो जरा, ये बाहर से इसका गेट देखना मैं सर. ये ओए होए, क्या यहाँ पे तुम वीडियोस बना सकते हो अपनी टिकटॉक. तो खैर अभी हम जा रहे हैं. खैर गाइज, अभी हमारा काम रहता है छोटे को ना एक इमरजेंसी काम पड़ गया था मेरे से भी पहले, वो करने चले गए थे हम. समझ रहे हो? और मैं एक कैबिन ढूंढ रहा था जो कि रीमैक्स है छोटे. रीमैक्स, यू नो रीमैक्स, हर चीज का रीमैक्स कर देना. और वहाँ पे अली अकाउंट के कमेंट भर गया यार इस नाम से. यार आप लोग ना वेट करो, मैं आ रहा हूँ जरा. ठीक है. तो खैर गाइस, यहाँ पे सारे डीलर्स के कैबिन्स बने हुए हैं. अली मार्केटिंग भी है, आपके भाई के नाम की मार्केटिंग भी है. लेकिन मुझे यहाँ से एक पेपर लेना, मैं वो ले लूँ, फिर उसके बाद मैं वापस आऊँ. 2000 years later. खैर गाइस, मैं अभी काम शाम करके अंदर से निकला हूँ और अरूज गाड़ी में से गायब है. कैश के साथ बैठी हुई थी और मैं बाहर आया और वो नजर ही नहीं आ रही किधर है. और उसको अब मैं कॉल पे कॉल कर रहा हूँ और कॉल भी नहीं उठा रही है. पता नहीं कहाँ, मुझे तो टेंशन लग गई है, गायब ही हो गई है. तूने देखी भी नहीं है कहाँ है? ये देख, गाड़ियों के नीचे तो नहीं है कहीं? यार मुझे जैनवन अल्लाह की कसम, मुझे टेंशन लग रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है वो. ओए खैर गाइस, मैं अभी उसको जरा ढूंढ लूँ फिर उसके बाद देखते हैं, मिल जाए जरा एक दफा. A few minutes later. और वो आ रही है और इसकी मेरे से खैर नहीं है. इधर आना जरा, तुम इधर आना जरा. तुम्हें मैं वहां ढूंढ रहा हूँ और तुम गायब हुई. हम परेशान हुए हैं पागल, तुम्हें कॉल करी जा रही है ना, तुम कॉल उठा रही हो ना कुछ नहीं. क्या बेस्ट फ्रेंड क्या? वो देखो वो बेचारे वहां ढूंढ रहे हैं, वो देखो वो कहाँ चला गया. कैश, कैश, यहाँ पे मेरी परेशानी लगी है कि तुम्हें कोई उठा के तो नहीं ले गया और तुम कॉल भी नहीं उठाई जा रही. पागल जाई आज के बाद बता के जाते हैं ना कहाँ जा रहे हैं. वो देखो वो लैदा घूम रहे हैं, मैं लैदा परेशान हूँ. मजाक नहीं है तुम्हारा, मेरा हाथ का मजाक नहीं है. आहिस्ता आहिस्ता इट मार मार मार, ले क्या लेकर आ, लेकर आ, इसका सर फाड़, इसका इसका जेन्युइन सर फाड़ मार, इसका सर फाड़, इसका सर फोड़.
नहीं मतलब कि हद हो गई है यार, वो बेचारा वो उधर ढूंढ रहा है, वो उधर ढूंढ रहा है, मैं अलहदा इधर परेशान। वैसे तुम कॉल तो उठाओ, एटलीस्ट कॉल तो उठाओ तुम। अच्छा सही है, एक तो यहाँ पे हम परेशान और ऊपर से कह रही है कंटेंट बन रहा है तेरे व्लॉग का, ये वहां से अंदर से आ रही है। अंदर क्या करने गई हुई थी तुम, निकली साइड पे, मुझे ये बताना तुम अंदर क्या करने गई हुई थी। हैं तुम्हें कितना बाथरूम आता है। खैर मिल गई है और अभी हमारा काम शाम हो गया और टाइम भी ज्यादा हो रहा है, अभी निकल रहे हैं वापस। तो बाकी का लाहौर जाके, अभी हम लाहौर से बाहर हैं, बाकी का व्लॉग लाहौर जाके स्टार्ट करेंगे। खैर गाइस, हमें ना भूख शूख लग रही थी, अभी हम यहाँ पे ना पिकनिक के लिए मैंने रूज को कहा है कि कैश भाई जाओ जरा अंगीठी ले आओ, सीखे ले आओ अंगीठी जिसपे बारबेक्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छा सा सेटअप लगा के ना बारबेक्यू का सेटअप लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा और जेन्युइन बड़ा मजे का माहौल है। ये मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ठीक है, छोटे के लिए एक टैंकी भी बना दी है फुल बड़े साइज की, छोटे खुल के नहाई, खुल के खुल के बेशक ढाई घंटे के हिसाब से नहाई। तो अभी सिर्फ हम वेट कर रहे हैं बारबेक्यू करना भी है कि नहीं करना, क्या मैं सीरियस हूँ, यहाँ पे बारबेक्यू करते हैं, चलो करो, लाओ वो सामने घर वालों को पास जाओ, उनको कहो अंगीठी शंगीठी देते हैं हमें, चिकन हम बाइक से पकड़ लाते हैं, मसाला लगाते हैं, यहाँ पे बड़ा मजा आएगा वैसे। ये क्या है? तो खैर वैसे अरुज जगह अच्छी है ना, मजे की है ना, देखो कितना मजे के बेंचेस लगे हुए हैं, फुल पिकनिक माहौल है यहाँ पे, सुकून से बैठे हुए हम गपशप लगा रहे हैं फुल, हमें वाइब आ रही है मरी वाली, इस्लामाबाद लाइट वाली वाइब आ रही है, तो बहुत रश है हर जगह रश है। तो खैर अभी कोई प्लान श्लान नहीं है, बारबेक्यू का मजाक कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि छोटा कर ही नहीं सकता प्लान, छोटे के प्लान नहीं हो सकते, कि नहीं पुअर शी कांट अफोर्ड, छोटे के कभी प्लान नहीं हो सकते, छोटा अपने प्लानों पे पक्का नहीं है। तो फिलहाल अभी बस ये देख रहे हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। खैर फाइनली गाइस हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं, सारे डॉन सब डॉन बैठ जाएं, छोटे डॉन आ जा अंदर, यार कैसे डॉन हो तुम लोगों ने मेरे कब्जा नहीं करा के दिया, मेरे प्लॉट पे बेच दिया तूने प्लॉट, तूने बाजी हार ली, छोटो तुम लोगों ने यार कब्जा क्यों नहीं करा के दिया, छोटे तेरी पिस्टल किधर थी, तूने तो कब्जा करा के देना, असला कर रख क्या इतना, इसलिए यार ये बड़ा बैड सीन है, असला लाना मना है ना, डॉन हो के यहाँ पे मेरे साथ आया और वो सामने पिकनिक में आ रहे थे पार्क में बैठ के, मतलब कोई सीन ही नहीं है, इन्होंने मेरा कोई साथ नहीं दिया, आप लोग तुम्हें तुम तो गायब हो गई हो ना, एक तो सारा दिन तो मैं इसको ढूंढने में लग गया, पता नहीं कहाँ चली गई थी। खैर अभी हम निकल रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 6 बज गए हैं और अभी हम लाहौर से बाहर हैं, तो लाहौर जाते जाते हमें 6:30 हो जाएंगे, मारेगा मुझे। तो खैर अभी हम मिलते हैं अब आपको लाहौर जाके, जब इंसान बहुत दुख में होता है ना तो ज्यादा गाने गाता है, ज्यादा यार मैं आपको बताना चाह रहा था कि दुख छुपाने के लिए और ऊंची ऊंची आवाज से गाने गाता है। अच्छा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि लाहौर आ गया है जी, रोज को बुलाऊं जी, मैं बुला रहा हूँ भी, बुला रहा हूँ एक सेकंड, रोज वो बुला रहे हैं आपको, देखो जरा कौन है, यहाँ से देख आ रही है अभी, अभी 2 मिनट बस, 2 मिनट दे जी, नंबर भी चाहिए आपको, नंबर भी जी जी मैं दे रहा हूँ आपको, दे रूज तुम्हारे फैंस आए हैं रूज तुम्हारे। खैर गाइस अभी हम लाहौर पहुंच चुके हैं, बस टूल टैक्स नहीं टूल प्लाजा पे है, टूल टैक्स कह रहा देना है ना, टूल टैक्स भी तो होता है लेकिन जो एम टैक वालों की मोजे है ना, रूज हाथ साथ लाहौर जाने साढ़े नाल जाने लाहौर, रूज का फैन आया और कह रहा है मैंने आपके साथ लाहौर जाना, आ जा अरे पीछे डिग्गी में उठाऊ, सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी हम लाहौर पहुंच चुके हैं, लाहौर पहुंचे साथ मुझे एक चीज का पता चला है, रूस के पास शूज 2 हैं और तस्मे 1 है, ये क्या चक्कर है, क्या मतलब, और मुझे कह रही है कि मुझे कह रही है और मुझे तस्मे भी चाहिए पिंक कलर के, रूस भाई जूते थोड़े इंग्लिश होने चाहिए, वो तो ठीक है लेकिन ये तस्मे पिंक कलर के कहाँ से लेके आऊँ, होते हैं पिंक कलर के तस्मे लेकर आ जाओ, ठीक है अभी ढूंढते हैं इसके लिए हम पिंक कलर के तस्मे, हमारा अब जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो पिंक कलर के तस्मे ढूंढना है, आए मेरा तस्मे ढूंढेगा, शुआरमा भी पिंक कलर का चाहिए, हाँ शुआरमा खाना भी पिंक कलर का से पिंक। तो खैर पिंक कलर के तस्मे ढूंढ रहे थे और उसको पिंक मिल गए हैं, छोटे छोटे गेस व्हाट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, और तुम्हारे मतलब का फुल, तुम्हारे मतलब का छोटे टंटना, और मुंह पे तो ना लगा, अरे मुझे पिंक नहीं चाहिए था, बस किडिंग, तुमने खुद ही कहा पिंक कलर के मुझे चाहिए, अच्छा मैं ढूंढ के पिंक कलर के तुम्हारे लिए लेके आया, देख
डोन पिंक कलर के लेसेस ले गया उसके BFF लाइक हिम आई हैव सही है बट पिंक नहीं चाहिए डिफरेंट कलर्स हैं उनके पास अगर ऑरेंज सही है वो भी है ऑरेंज चाहिए ठीक है अभी ऑरेंज भी आ जाएंगे खैर गाइस मैं खाने का ऑर्डर कर रहा हूं पिज्जा बर्गर और ओ पिज्जा बर्गर कह रहा हूं शवारमा बर्गर और दाल चावल दाल चावल वाला किधर आ गया छोटे देखिए जरा मुंह बाहर निकाल के कहीं इधर ही अभी वो आता है तो फिर वो भी आपको दिखाता हूँ दाल चावल बड़े मजे के लगे तो खैर गाइस अभी दाल चावल आ चुके हैं बाकी शवारमा और बर्गर आ रहा है छोटे का शवारमा था कैस का बर्गर है मेरा भी शवारमा था लेकिन मुझे दाल चावल मजे के लग रहे थे छोटे तू ये क्यों नहीं खा रही मतलब लाइफ में मेरे साथ पहली दफा हुआ छोटा नहीं खा रही मैंने सोचा था ये दाल चावल छोड़ देगी नहीं खाएगी ये दाल चावल मेरे मतलब की नहीं लेकिन छोटा होए और कोई चीज होए और वो छूट जाए पॉसिबल ही नहीं है मजे के हैं कि नहीं मुझे भी दिखा तो अभी जरा ओए टू गुड माशाल्लाह मजेदार अभी ये खा लूं पेस्ट खा दे लो जी आ गया है लपेटा बर्गर शवारमे छोटे मतलब की रोटी आ गई है बार बार इसको फेंक छोटी तुझे एक मैं ही मिली हूँ तुझे एक मैं ही मिला रगड़ने के लिए एक मैं ही मिली हूँ तुझे मुझे अपने घर जाना है ये लो उसको भी वो नीचे वाला पैकेट तला के देता ये तो फेंक देगी नीचे लेकिन खैर गाइस ये वाला शवारमा इतना मजे का ना इतना मजे का ये मैं स्पेशल छोटे को खिलाने के लिए लेके आया हूँ कि ये बहुत हैवी शवारमा है तो ये खा लें फिर उसके बाद देखते हैं खैर फाइनली गाइस हम घर आ चुके हैं छोटा जा रहा है अब छोटा जा रहा है और असल में मैं थोड़ा लेट हो रहा था क्योंकि मैंने जाना है शॉपिंग के लिए आगे आ रही है शैम्पी की शादी शैम्पी आपको अगर नहीं पता तो शैम्पी से भी आज आपको मिलवाऊंगा शैम्पी की शादी है तो उसके लिए जरा शॉपिंग वगैरह करने जानी है हमने जाना है मॉल रोड वाली साइड पे तुझे कैसे पता तू जाती रहती है एक्सपीरियंस बोला एकदम एक्सपीरियंस बोला लंडे बाजार का है वैसे वहां नहीं जाना लेकिन उसके पास पास जाना है क्या जिसकी ब्रांच ही नहीं है यहाँ पे कोई खैर ओके यार छोटे मिलते हैं आपको अच्छा एल बी मैंने कहा शायद अभी गुच्ची कह रही है शायद तुम ठीक है वो तो शनेल पहनते हैं तो खैर अभी छोटे जा रही है ओके छोटे यार अल्लाह हाफिज़ तो अभी जाने शैम्पी की तरफ फिर मिलते हैं आपको वहां जाके खैर गाइस अभी शैम्पी की रात तो क्यों लेकिन शैम्पी जो है ना वही बाहर गया हुआ लेकिन हमने बाजार जाना है क्योंकि हमारी शॉपिंग रहती है और अभी जरा एक एक्सपेरिमेंट होने लगा सलमान में भी डील करने लगे असल में ना इसके पार काटने ये बड़ा ना पूरे हुआ है इसके पार काटने और फाइनली पकड़ लिया और देखो अब ये पार काटने में कामयाब होते हैं कि नहीं सलमान भी काटेगा कौन तू की ये पकड़ेगा मैं काटूंगा देख लेना यार उसके को गलत पार्टनर काट देना पकड़ गलत पार्टनर काट देना करता नहीं ना काट दी सलमान भाई यार इससे पहले ही छोड़ काट देना वो देख लेना कोई गलत पार्टनर काट देना चल काट कोई ध्यान से और खैर फाइनली गाइस इसको ओए 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 जाल जे सलमान भी काटे ना मैं तुझे काट देना बेटा बड़ा हैवी ओए 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 बस इसको ना हमने हाथ पे बिठाना था और वो कर लिया पर भी कट गए बेचारे के वो देखो ऊंचल भी कट गई चलो अब इसको सिखाना है अब इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है आजा आजा ओए ये गाइस हम आ गए मैं शॉपिंग करने दील अपना साइज दे रहा सलमान भाई तेरा क्या बनेगा ओए हो तेरा तो मेरा घर ही हो जाएगा दोनों का इकट्ठे ही बनेगा वैसे ही साइज के ना इंच टेप बनवाने गए हैं छोटी हो गई है बहुत बनवाने गए हैं ऑर्डर पे तो खैर अभी वो साइज आ गए फिर उसके बाद हम आने अपने कोट का साइज लेना है और फिर उसके बाद कुछ खा पिएंगे और फिर ब्लॉग करेंगे खैर शॉपिंग अभी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ भूख लग गई है उफ हाथ पीछे करो जरा भटूरा गर्मा गर्म गर्म सलमान भी जस्ट टेस्ट कर ले ले मजा रहा है ओहो फुल एंटीक सवारी है माल रोड पे कितने की है ये झूला तेरा वजन तो वैसे ही नहीं उसने बर्दाश्त करना बस कर दे ओहो मतलब फुल वीआईपी तरीके से ऊंट के साथ पूरी बांधी हुई है पूरा मतलब टायर शायद लगा के और देखिए आगे से उठना जाए व्हील मार देगा वो ओहो लाइटें जा कर ऊपर फुल वीआईपी सीन है क्या बात है हैवी है ये चक्कर कहाँ का लगवाता है ये पूरे माल रोड का एक माल रोड पे ऐसा है क्या देखने वाला ये लाइटें ये जो लाइटें लगाएंगे वो साउंड सिस्टम भी है बेटा पूरा सिस्टम है क्या बात है हैवी सीन है यार गाइस अभी शॉपिंग वगैरह हो गई है
और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे कर रहे हैं ब्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।